Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine, good and safe at your homes. Unit number 4, turning effect of a force. And the topic is center of mass and subtopic is center of gravity and mass of the irregular shape body. First we have to go through the summary of the last lecture. हमने last lecture में बच्चों पढ़ा था center of mass and center of gravity. हमने क्या कहा था कि center of gravity हमारे पास वो point होता है जिस पे whole the mass of the body, entire mass of the body lie करता है, ठीक है? अब हमने ये भी कहा था कि जब हम torque produce करते हैं, what is torque? Turning effect of a body, body का move करना, कि जब हमारे पास body move करती है, तो फिर भी हमारे पास center of gravity जो है वो change नहीं होता. You can see in these diagrams कि सबसे पहले हमने जब body हमारे पास एक regular shape body है, ये यहाँ पे इसका center of gravity lie down करता है. अब हम उसकी shape को change करते हैं, we are producing torque in it, ठीक है? तो तब भी हमारे पास उसका center of gravity नहीं change होता, वहीं पे है. And same in the case कि हम third point पे आ रहे हैं और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि उसकी दोबारा से शेप चेंज कर रहे हैं, तब भी हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही फिक्स रहता है, ठीक है बच्चों? अब हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रेगुलर शेप बॉडी. अब रेगुलर शेप बॉडीज में क्या होता है बच्चों कि हमारे पास जो मास होता है, ये थिकनेस डेंसिटी दैट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, मीन्स पूरे के पूरे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है उसमें सेम अमाउंट ऑफ दी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है? तो उसमें हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है वो भी फिक्स होती है, हमें पता होता है. अगर सर्कल है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दरमियान में होगा, स्फीयर है, डायगोनल्स हैं, हर एक का हमें पता होता है, ठीक है बच्चों? ये मैंने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया, राइट? नाउ आज का हमारा टॉपिक कि हम इररेगुलर शेप बॉडी है तो हम उसकी थिकनेस, उसकी जो सेंटर ऑफ मास है उसे कैसे, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसे कैसे फाइंड आउट करेंगे. ये आपकी उसमें भी है, प्रैक्टिकल नोटबुक में भी है, इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली भी परफॉर्म करेंगे. अब जो प्रोसेस हम इसमें करेंगे दैट इज कॉल्ड द प्लम लाइन मेथड. क्या कहते हैं बच्चों? प्लम लाइन मेथड. हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं, ठीक है, एक मोटा सा गत्ता ले रहे हैं, उसमें हमने एक होल किया, होल करने के बाद हम उसे एक जगह पे लगा देते हैं, ठीक है, लटका दिया. अब वो रेस्ट पे जब आएगा ना तो हम एक सीधी सी लाइन खींचेंगे, जैसे यहाँ पे आप थ्री में देखें सीधी लाइन खींची, राइट? अब हम ले रहे हैं और पॉइंट, जैसे देखें यहाँ पे ये पॉइंट वन पे किया, वन पे भी उन्होंने ऐसे किया, एक लाइन खींची, टू पे भी कि देखें ड्रिल द होल, ये होल ड्रिल किया और लाइन खींची, फिर टू, अब ये थ्री पे आ रहा है. अब हमने क्या करना है कि जब ये बहुत सारे हो जाएंगे, दो तीन चार, तो हम क्या करेंगे कि हम वो पॉइंट देखेंगे जहाँ पे ये सारी की सारी इंटरसेक्ट कर रही होंगी. इंटरसेक्ट मीन्स एक दूसरे को कट ऑफ कर रही होंगी, तो वो पॉइंट जो हमारे पास होगा उसे हम कहेंगे दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. वो पॉइंट हमारे पास होता है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी. अब इस स्लाइड में हमने सारा का सारा प्रोसेस ब्रीफली किया हुआ है कि स्टेप वन में हमने क्या किया, हमने तीन होल्स बनाए, फिर हमने एक पिन लगाई और उसे फिर ऑब्जेक्ट को हमने एक जगह पे लटका दिया ताकि वो इजीली स्विंग कर सके, ऐसे कि वो इजीली स्विंग कर सके. अब हमने वहाँ पे एक थ्रेड लिया और उससे उसकी एक लाइन ड्रॉ कर दी. व्हेन अ ऑब्जेक्ट एंड अ प्लम लाइन बोथ स्टॉप स्विंगिंग मास, जब दोनों वो इक्विलिब्रियम में आ गया, उसकी हलचल सारी खत्म होगी, तो तब हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे. हमने ये प्रोसेस तीन होल्स के लिए रिपीट किया एंड फिर हमने वो स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ की हुई थी वो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी वो हमने कह दिया दैट इज द पॉइंट ऑफ ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी.